हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम बायोलॉजी का रिड्यूस सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए डिलीट कर दिया है। और ये सिर्फ एकेडमिक ईयर 2020 और 21 के स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको आपके एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो आपको नहीं पढ़ना है आपके बोर्ड एग्जाम में। लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस बनाया था, और उस वीडियो पे बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट करके रिक्वेस्ट किया था कि सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी ऐसा ही वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे मैं आपके सामने बायोलॉजी का वीडियो लेके आ गया हूँ, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। तो आप आपकी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक और पेंसिल लेके रेडी हो जाइए। तो रिड्यूस सिलेबस ऑफ बायोलॉजी क्लास 12th स्टूडेंट फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21। तो यहां आपको स्क्रीन पर जो पीडीएफ दिख रहा है, उसमें तीन कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में चैप्टर नंबर है नाम के साथ, सेकंड कॉलम में आर्टिकल नंबर और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है वो है, और थर्ड कॉलम है पेज नंबर कि ये पर्टिकुलर टॉपिक या आर्टिकल आपकी टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पर है। तो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, उसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है या जो आपको नहीं पढ़ना है वो है आर्टिकल नंबर 1.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपको टेक्स्ट बुक में आपकी पेज नंबर 1 और 2 पे मिलेगा। तो आप टेक्स्ट बुक की का पेज नंबर 1 ओपन कीजिए। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे आपको यहाँ पे आर्टिकल नंबर मिलेगा 1.1 और टॉपिक का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, तो यहाँ से आप डिलीट करते आएंगे। उसमें पॉइंट वन है फ्रेगमेंटेशन, वो डिलीट कर दो, ये फिगर नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट भी आप पूरा डिलीट कर दोगे, थर्ड पॉइंट भी आप पूरा डिलीट कर दोगे, ये डायग्राम भी आप नहीं पढ़ने वाले हो, ये सब आप डिलीट करते आओगे। और आप पेज नंबर 2 पे आपको ऊपर राइट साइड में आर्टिकल नंबर 1.2 दिखेगा, जो आपको पढ़ना है उससे पहले जो तीन लाइन है वो आप डिलीट कर दोगे। ये पूरा पॉइंट, ये पूरे पैराग्राफ भी डिलीट होंगे, ये डायग्राम भी आपको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 में बस यही एक आर्टिकल 1.1 डिलीट हुआ है, और इसके बेस पे एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब है आपको ये चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है आपका रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, उसमें आर्टिकल नंबर 2.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 और 19 पर है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 ओपन करोगे, और पेज नंबर 18 पे आपको चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स मिलेगा। यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 2.1 मिल जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप यहाँ से डिलीट करते आओगे, कैंसिल करते आओगे, राइट साइड में टॉप से डिलीट करते आओगे, ये डायग्राम भी नहीं पढ़ना है आपको, उसके बाद ये भी नहीं पढ़ना है। तो आप चैप्टर नंबर 19 पे आ गए हो। चैप्टर नंबर 19 में ये जो ऊपर की 6 लाइंस है ये आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दो, कैंसिल कर दो। उसके बाद 2.2 पढ़ना है आपको। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। तो इसकी एक्सरसाइज के लिए आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 पे जाना है। आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 47 ओपन कीजिए। 47 पे एक भी क्वेश्चन नहीं डिलीट हुए, बट 48 पे क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप डिलीट कर दो। तो ये है आपके चैप्टर नंबर 2 के डिलीटेड क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, नो टॉपिक्स इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 3 में से कोई भी टॉपिक नहीं डिलीट हुआ है।
चैप्टर नंबर 4 में से भी कोई भी टॉपिक नहीं डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब जब यहाँ पे आप देखते हो कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है। बट देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5। 5.5 तक कंटिन्यूएशन में सब आर्टिकल डिलीट हुए, 5.1 टू 5.5 सारे ही आर्टिकल डिलीट हुए हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 94 टू 100 है। इसका मतलब है आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 ओपन करोगे, आपको 94 पे चैप्टर नंबर 5 मिलेगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसका आर्टिकल नंबर 5.1 स्टार्ट में ही है, आप यहाँ से डिलीट करते आओ। पेज नंबर 94 आप पूरा डिलीट करोगे, पेज नंबर 95 आप पूरा डिलीट करोगे, पेज नंबर 96 भी पूरा डिलीट करोगे, पेज नंबर 97, पेज नंबर 98, पेज नंबर 99, उसके बाद आप आ जाते हो पेज नंबर 100 पे। पेज नंबर 100 पूरा नहीं डिलीट करना है, पेज नंबर 100 पे आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखोगे ऑब्जेक्शंस टू म्यूटेशन थ्योरी, उसके 3 पॉइंट्स है, बस यही 3 पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। आर्टिकल 5.6 आपको पढ़ना है, एक्चुअल में ये चैप्टर में सिर्फ आर्टिकल 5.6 ही पढ़ना है। उसके बाद आप देखोगे 5.6 आप पढ़ोगे, 5.7, 8, 9, 10, 11, 12 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 से 112 तक है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 103 ओपन करोगे। जब आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे ऊपर आर्टिकल 5.7 मिलेगा, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यहाँ से आप डिलीट करते आओगे, ये पूरा पैराग्राफ डिलीट कर दोगे। उसके बाद राइट साइड में भी आओगे आप और ये पूरा पार्ट क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। ये पूरा पार्ट डिलीट हो गया है ये पेज पे। पेज नंबर 103 पे 5.7 से ये पूरा पार्ट डिलीट हो गया है। उसके बाद आप 104 भी पूरा डिलीट करोगे, 105 भी पूरा डिलीट करोगे पेज, 106 भी क्रॉस कर दो, 107 भी आप क्रॉस करोगे और ऐसे 108 भी क्रॉस कर दो, 109 भी आप नहीं पढ़ने वाले हो, ये पेज भी नहीं पढ़ना है टेक्स्ट बुक का, 110 टेबल्स वगैरह भी नहीं पढ़ना है ये आपको, 111 भी नहीं पढ़ना है। अब आप आगे 112 ये डायग्राम नहीं पढ़ना है, और उसके बाद डायग्राम के नीचे राइट साइड में जो दो पैराग्राफ है यहाँ तक आप कैंसिल करोगे, मतलब पूरा पेज ही आप कैंसिल करने वाले हो, ये साइड का भी आपको नहीं पढ़ना है, लेफ्ट साइड का भी, तो 112 तक आपको नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद ये पेज की एक्सरसाइज में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 5 के सभी डिलीटेड टॉपिक्स बता दिए, एक्सरसाइज में ये टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 5 में जो एक्सरसाइज है वो आपकी पेज नंबर 117 पे है। एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू डिलीट कर दो, थर्ड एमसीक्यू डिलीट कर दो, सिक्स एमसीक्यू भी डिलीट होगा, सेवंथ एमसीक्यू भी डिलीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ए बी रहेगा और डी रहेगा, आपको डिलीट करना है बस ये सी और ई, ये दोनों आप डिलीट कर दोगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की डेफिनेशन डिलीट हो गई है और ई भी आपका डिलीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 118, क्वेश्चन नंबर 2 आप डिलीट कर दोगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये पेज पे, 4 डिलीट करोगे, 5 डिलीट करोगे, 6 डिलीट करोगे, 8 और 9 भी कैंसिल कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डिलीट करते आओगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर, फर्स्ट डिलीट कर दो, सेकंड डिलीट कर दो, फोर्थ डिलीट कर दो,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स आप कंप्लीट डिलीट कर दोगे, ये पूरा टेबल नहीं पढ़ना है आपको, कंप्लीट द चार्ट ऐसा लिखा ये नहीं पढ़ना है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5। अब हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 है प्लांट वाटर रिलेशन। अब आप इसमें देखोगे जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आप क्या देख रहे हो, 6.4 भी डिलीट हो गया, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11, 12, 13, 6.4 से 6.13 तक, मतलब ये 10 आर्टिकल्स डिलीट हो गए हैं जो पेज नंबर 120 टू पेज नंबर 130 तक है। तो आप पेज नंबर 120 ओपन करोगे, पेज नंबर 120 पे आपको 6.4 मिलेगा, आप यहां से डिलीट करते आओगे 6.4, ये ऊपर का पार्ट राइट साइड में, ये पूरा डिलीट करोगे, डिफ्यूजन ये पूरा डिलीट करोगे, ये 6.4 डिलीट कर दिए, पेज नंबर 120 पे थे हम, आप 121 आ जाओ, 121 पूरा डिलीट करो, 122 पूरा डिलीट करो, ऐसे ही आप कहां तक डिलीट करते जाओगे, 130 तक। तो पेज नंबर 120 पे कुछ पार्ट बचा है, बाकी का डिलीट किए, उसके बाद 121 टू 129 आप ये पूरा पेज डिलीट करते आओगे, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, आपका ये टॉपिक्स जो है यहाँ पे सब ओमिटेड है। पेज नंबर 129 तक आप कंप्लीट कैंसिल कर दोगे, क्रॉस कर दो। अब पेज नंबर 130 पे आ जाते हैं, तो पेज नंबर 130 पे जब आओगे तो ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो ये 130 पे चैप्टर खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। तो मल्टीपल चॉइस में सेकंड आप कैंसिल कर दो, थर्ड कैंसिल कर दो, फोर्थ पे भी क्रॉस कर दो, फिफ्थ पे भी क्रॉस कर दो, सिक्स्थ रहेगा, सेवन्थ क्रॉस कर दो, एट्थ को क्रॉस कर दो, टेंथ को क्रॉस कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 से लेके 9 तक, 9 क्वेश्चन है, सब के सब डिलीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन है ये पेज पे, तीनों को डिलीट कर दो। पेज नंबर 132 क्या क्या है यहाँ पे बचा, MCQ, फर्स्ट MCQ, सिक्स्थ MCQ और नाइन्थ MCQ को पढ़ना है, बाकी सब डिलीट रहेगा। 133 पे 4, 5, 6, 7 4 डिलीट कर दो, 5 डिलीट कर दो, 6, 7, 8, 9 लाइन से डिलीट करते हैं। 10th भी नहीं पढ़ना है, 11th भी नहीं पढ़ना है, 12th भी नहीं पढ़ना है, अरे वाह सब डिलीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बस एक ही लॉन्ग आंसर पढ़ना है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुमको पढ़ना, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सब कैंसिल हो गया। तो ये हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7, प्लांट ग्रोथ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 7.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यूएशन में है, मतलब पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में 134 से 138 तक पूरा डिलीट करना है। 7.1 तो ये चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ आप ओपन करोगे, ये है आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 134। यहाँ पे आर्टिकल नंबर आपको मिलेगा 7.1 प्लांट ग्रोथ, यहाँ से आप पूरा डिलीट करते होगे, मतलब 134 पूरा डिलीट करोगे, कैंसिल करोगे, 135 पूरा कैंसिल करो, 136 पूरा कैंसिल करो, 137 पूरा कैंसिल करो, बट 138 पे जब आप आओगे तो आपके लेफ्ट साइड वाला तो सभी कैंसिल हो जाएगा, बट राइट साइड में आपको ये डायग्राम दिखेगा 1, 2, 3, 4 ये पढ़ना है आप, सॉरी ये डिलीट करना है, यहां तक ही डिलीट करना है। तो ये डायग्राम के ऊपर का पैराग्राफ भी कैंसिल कर दो, बट 7.9 आप पढ़ोगे। पेज नंबर 138 पे 7.9 से आपको पढ़ना है।
7.9 पढ़ लिए, उसके बाद 7.10, 11, 12, 13 डिलीट कर दो, 142 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 150 तक। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लोगे, 142 टू 150 तक कैंसिल होगा, ये 138 नहीं है। तो 142 टू 150 तक आपको डिलीट करना है, 142 मतलब 7.10, 7.10, 11, 12, 13, 142 पे 7.10 कैंसिल कर दिए, यहाँ से आप कैंसिल करते आओगे, सब कैंसिल कर दोगे, ये सब 143 भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 144 भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 145 भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 146 भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 147 भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 148 भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 149 भी आप कैंसिल करोगे पेज, आप आ गए 150 पे, 150 पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, सब आप उड़ा दोगे, सब कैंसिल करोगे। एक्सरसाइज है आपकी 151 पे, तो पेज नंबर 151 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू आप डिलीट कर दो, फिफ्थ एमसीक्यू आप डिलीट कर दो, सिक्स्थ एमसीक्यू, सेवंथ एमसीक्यू कैंसिल, क्रॉस नहीं पढ़ना है ये सब आपको, 10th, 8th, 11 सब आप डिलीट करते चलो। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आप जो येलो हाइलाइटेड है वो क्रॉस करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट डिलीट करोगे, थर्ड डिलीट करोगे, फिफ्थ डिलीट करोगे, सिक्स्थ नहीं पढ़ना है, 8th नहीं पढ़ना है, 9th और 10th भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 152 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3, 4, 5 पूरा क्वेश्चन नंबर 3 उड़ा दो, 5 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा क्वेश्चन नंबर 4 उड़ा दो, 1, 2, 3 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो अब रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में कौन सा आर्टिकल है, 8.5 मॉडिफाई रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। तो जब आप 8.5 निकालोगे, वो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 161 पे है। तो पेज नंबर 161 आप ओपन करोगे तो मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये तीन लाइन आपको कैंसिल करना है, उसके बाद बाजू में आ जाओ, राइट साइड में टॉप पे ये तीन लाइन आपको, बस यही डिलीट हुआ है। 8.5 छोटा सी है, 6 लाइन का है, डिलीट कर दो। 8.6 पढ़ना है टेबल, 8.11 पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टेबल है, क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नीचे आओगे आप तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम 8.6 में से सिर्फ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और वेंटिलेटर्स ही डिलीट हुआ है। 8.6 पूरा नहीं डिलीट करना, उसमें से ये दो टॉपिक डिलीट करना है, और ये दो टॉपिक है 162 पे। तो 162 पे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और वेंटिलेटर, यहाँ तक वेंटिलेटर ये पूरा उड़ेगा, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन ये पूरा उड़ेगा, 8.7 आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देखोगे तो 8.16 में एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट और साइलेंट हार्ट अटैक, यही डिलीट हुआ है। अगर यहाँ पे फ्रॉम है आगे, मतलब ये पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर में कुछ ही टॉपिक्स डिलीट हुए, जिनका नाम यहाँ पे है, बस वही टॉपिक्स डिलीट हुए है, और कुछ डिलीट नहीं करना। ये आपको पेज नंबर 175 और 176 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 175 ओपन कर लेते हैं टेक्स्ट बुक का। तो जब आप पेज नंबर 175 ओपन करोगे, आपको ऊपर दो लाइन दिखेगी, ये दो लाइन कैंसिल कर दो, एंजियोग्राफी की यहाँ पे कैंसिल होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट का एक पैराग्राफ कैंसिल कर दो, साइलेंट हार्ट अटैक का एक पैराग्राफ बस। उसके बाद आप यहाँ पे ECG पढ़ोगे, 8.17 इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 8, इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज है आपके पेज नंबर
180 पे। और जब आप ये चैप्टर की एक्सरसाइज देखोगे तो इसमें से आपको हर क्वेश्चन पढ़ना है, ए टू जेड पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। जो टॉपिक्स हम डिलीट किए उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखो फ्रॉम 9.6 लिखा है, मतलब 9.6 पूरा नहीं डिलीट होगा, उसमें से क्या डिलीट होगा तो उसका नाम भी लिखा है। रिफ्लेक्स एक्शन डिलीट करना है एंड चार्ट 9.15 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब 9.8 आर्टिकल में से जो दो नाम दिख रहा है यही दो आर्टिकल्स को डिलीट करना है। तो ये आर्टिकल्स आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 198 और 199 पे मिल जाएंगे। तो मैं पेज 198 ओपन करता हूँ, तो ये आपका पेज है टेक्स्ट बुक का 198। ओपन कर लिए होंगे आप जल्दी से जल्दी। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत स्पीड जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करो और पहले इत्मीनान से टिक मार्क कर लो, वीडियो पॉज पॉज करके देखते रहो, पीछे जाओ बैक जाओ, बट थोड़ा सी स्पीड जाएंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये पूरा यहाँ से डिलीट होगा, ये पूरा चार्ट नहीं पढ़ना है आपको 198 पे। फिर उसके बाद 199 पे ये जो कुछ लाइंस दिख रही है आपको, थर्ड पॉइंट दिख रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, ANS पढ़ना है, उसके ऊपर का सब डिलीट कर दोगे। अब ये चैप्टर में नेक्स्ट जो डिलीट हुआ है वो है 9.7 रिसेप्टर्स और सेंसरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, पेज नंबर 200 से 206 तक है। तो हम पेज नंबर 200 ओपन कर लेते हैं। जब आप पेज नंबर 200 ओपन करोगे अपनी टेक्स्ट बुक में तो आपको सेंसरी रिसेप्टर्स दिखेगा जो 9.7 है आर्टिकल नंबर, ये डिलीट कर दिए। फिर यहाँ पे ऊपर आ गए आप राइट साइड में, ये पूरा डिलीट कर दिए, कैंसल कर दिए। यहाँ से आपको डिलीट करते आना है 200 से, 201 आप नहीं पढ़ोगे। फिर ये आपको नेक्स्ट पेज पे 202 पे आई दिखेगा, ये पूरा पेज कैंसिल करना है आपको, 202 पूरा कैंसिल कर दो, 203 भी पूरा कैंसिल कर दो, 204 भी पूरा कैंसिल कर दो, 205 भी पूरा कैंसिल करोगे, बट 206 पे आ गए पूरा नहीं कैंसिल करना है। 206 में आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में टॉप पे एक साइड हेडिंग, उसके ऊपर की दो लाइन कैंसल, वो साइड हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, वो पूरा पैराग्राफ कैंसल। तो आप यूज योर ब्रेन पावर, ये कॉलम देख रहे होगे उसके ऊपर तक सब कैंसल हो गया है, तो यहाँ तक आपको कैंसल करना है, 9.8 पढ़ना है। तो ये 9.7 था ये चैप्टर में। अब एक्सरसाइज में क्या क्या कैंसल हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज के लिए हम टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 218 पे जाते हैं। पेज नंबर 218 पे एक्सरसाइज मिल जाएगी चैप्टर नंबर 9 की, और वो एक्सरसाइज में आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ वाला डिलीट हो गया है, ये नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे पेज नंबर 219 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 डिलीट कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ए और बी यही दो नहीं पढ़ना है, ये कैंसिल करो, सी और डी आपको पढ़ना है। एलएस ऑफ ह्यूमन ब्रेन है तुम्हारे सिलेबस में, एग्जाम में आ सकता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन ये भी आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो ये ह्यूमन एयर और सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन आई ये नहीं पढ़ना है, हाईलाइटेड है, मतलब वो आप कैंसिल करोगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 220 पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन दिखेगा, वो कैंसिल कर दो और बाकी का सब आप पढ़ोगे। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 10 क्या है,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, नो टॉपिक इज रिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर. मतलब यू हैव टू स्टडी द होल चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन करना है. फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में आ जाते हैं एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. अब यहाँ पे आप देखोगे तो 11.2 है, 11.3 है और 11.4 है. अब ध्यान से देखना है कि आपको टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 246 टू 252 तक सब डिलीट करना है, 11.2 टू 11.4. तो 246 ओपन कर लेते हैं हम. तो ये 246 आप ओपन किए तो आपका चैप्टर 11 है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. यहाँ पे आप 246 पे देख सकते हो आर्टिकल नंबर 11.2 है, प्लांट ब्रीडिंग. 11.2 पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पार्ट भी डिलीट हो जाएगा. ये सब आप कैंसिल करते आओगे, पेंसिल से मार्क कर रहे होगे आई होप. 247 ये पूरा पेज कैंसिल कर दो. 248 ये भी पेज कैंसिल कर दो. 249 ये पूरा पेज कैंसिल होगा. 250 पूरा पेज कैंसिल होगा. 251 भी पूरा कैंसिल कर दो. बट अब आ गए हैं 252 पे. तो 252 पे आप देख सकते हो सिर्फ आर्टिकल नंबर 11.4 कैंसिल हुआ है. मतलब ये पार्ट, ये पूरा लेफ्ट साइड का पार्ट आपको कैंसिल करना है, ये कैंसिल करना है. और राइट साइड में क्या कैंसिल करोगे आप, तो 11.5 है, 11.5 के ऊपर जितना भी है टॉपिक सब कैंसिल कर दोगे. 11.5 के ऊपर ये सब क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा. 11.5 पढ़ना है आपको तो हम 11.2 से 11.4 तक सब कैंसिल कर दे. 11.5 पढ़ोगे फिर उसके बाद 11.6 एनिमल हस्बेंड्री, 253 से 258 तक फिर से हम कैंसिल करते जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री. टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 253 पे मिलेगा, यहाँ से कैंसिल करते आ जाओ तुम लोग. 253 पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सब कैंसिल करो, सब कैंसिल करो, ये सब कैंसिल हो जाएगा. तो 253 में एनिमल हस्बेंड्री 11.6 से कैंसिल करते हैं. 254 भी पूरा पेज कैंसिल कर दो. 255 भी पूरा कैंसिल कर दो. 256 भी पूरा कैंसिल कर दो. 257 भी पूरा कैंसिल कर दो. 258 पे आ गए हो तो यहाँ पे 11.7 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रहेगा, उसके ऊपर तीन लाइन और ये लैक कल्चर ये डिलीट कर दोगे. तो 11.7 से पहले पहले जो भी दिख रहा है, ये फिगर भी नहीं पढ़ना है, 11.7 से आपको पढ़ना है. तो हम ऑलमोस्ट सभी कुछ कैंसिल कर दिए हैं. इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं कि 11th चैप्टर में क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको, क्या क्या, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है. ध्यान से देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो नहीं पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से मार्क करो. जो पढ़ना है वो तो आप साल भर में भी पढ़ते रहोगे और होगा नहीं. तो MCQ में आप देखोगे तो ये MCQ 8 नहीं पढ़ना है, 9 नहीं पढ़ना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 7, 8, 9 नहीं पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 3 में 5, 6, 7 नहीं पढ़ना है. उसके बाद पेज नंबर 271 पे जब आते हो तो ये जो राइट लेफ्ट साइड में दिख रहा है व्हाट आर ABC ये पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 4 में 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th नहीं पढ़ना है. तो ये हम देख चुके हैं कि क्या क्या डिलीट करना है. अगर आपको नहीं समझता तो वीडियो पॉज करो, अच्छे से टिक मार्क कर लो, कैंसिल कर लो. तो ये तुम्हारा था चैप्टर नंबर 11. अब चैप्टर नंबर 12 है बायोटेक्नोलॉजी, नो टॉपिक्स इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर. कोई भी टॉपिक नहीं डिलीट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, नो टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनो, मिस आफरीन शेख और मिसिस वर्षा जैन, ये दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की, यही से ये वीडियो मैं बना पाया हूँ. तो थैंक्स टू देम.
आफरीन मैडम और वर्षा मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। अब इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो में 14.1234 कंटिन्यूएशन में डिलीट हो गया है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 308 टू 316 तक है। तो 308 ओपन कर लेते हैं, पेज नंबर 308 पे आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो 14.1 इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो यहां से आप डिलीट करते आओगे, लास्ट तक आप डिलीट कर दोगे, ये पैराग्राफ पूरा डिलीट होगा राइट साइड का। 3.8 पे है हम, 3.9 पूरा डिलीट होगा, 3.10 भी पूरा डिलीट हो जाएगा। ये पूरा पेज आपको कैंसिल करना है, एक एक टॉपिक नहीं बता सकते, ये जो पूरा पेज आप कैंसिल कर दो। 3.11 पूरा पेज कैंसिल करो, 3.12 का भी पूरा पेज कैंसिल करोगे, 3.13 का भी पूरा पेज कैंसिल करोगे, 3.14 का भी पूरा पेज कैंसिल करोगे, 3.15 भी पूरा कैंसिल कर दो। अब आ जाते हैं 3.16, ये पूरा नहीं कैंसिल करना है। देखो 14.5 ये पढ़ना है आपको, इसके ऊपर आपको ये कुछ 8 लाइंस का एक पैराग्राफ दिख रहा है, आप कैंसिल कर दोगे, नहीं पढ़ोगे इंटरनेट माय फ्रेंड। ये सेक्शन के बाद से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, 14.5 आप पढ़ोगे। अब 14.5 पढ़ लिए, बट 14.6 फिर से कैंसिल हो गया। इकोसिस्टम सर्विसेज जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 318 और 319 पे मिलेगा, तो अब आप जा रहे हैं पेज नंबर 318 पे। तो 318 पे जब आप आओगे तो आपको एक डायग्राम दिखेगा, डायग्राम है 14.12, उसके नीचे आपको 14.6 इकोसिस्टम सर्विसेज ये डिलीट कर दोगे। यहां से डिलीट करते चलो, यहां से डिलीट करते चलो, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये 318 पे है हम, 319 पे आ जाओ, 319 से पूरा डिलीट कर दोगे। जब 319 से पूरा डिलीट कर दोगे चैप्टर खत्म हो गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, मल्टीपल चॉइस 1, 2, 3, 4 और 6, यहाँ पे 5 गायब है, सीरियल नंबर में गड़बड़ है। तो जो टेक्स्ट बुक में है तुम्हारी वही बता रहे, 4 और 5, 6 पढ़ना है, 5 नहीं है। 7 कैंसिल करो, 8 कैंसिल करो, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो सभी कैंसिल करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा डिलीट कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 और 2 सब डिलीट कर दो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सब डिलीट करना है। तो ये चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 320 पे क्या पढ़ोगे, दो एमसीक्यू पढ़ना है बस, और क्या पढ़ना है ये चैप्टर में। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, वेरी नाइस, सब डिलीट हो रहा है। तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 14। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। यहाँ पे आप देखोगे 15.7 में ए है एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, बी है नॉइस पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, सी है वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, उसके बाद थर्मल पोल्यूशन भी डिलीट करना है, मेजर्स टू रिड्यूस सीवेज वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये आर्टिकल नंबर 15.7 है, पूरा आर्टिकल डिलीट करना है। 15.8 ग्रीन हाउस इफेक्ट भी डिलीट करना है, 15.9 ओजोन डिप्लीशन, 15.10। तो 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 लाइन से डिलीट करना है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 342-341 है, तो आ जाते हैं टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 330 पे। तो जब आप पेज नंबर 330 ओपन करोगे टेक्स्ट बुक के, तो यहाँ पे आपको 15.7 आर्टिकल मिलेगा एनवायरमेंटल इश्यूज, यहाँ से आप डिलीट करते आओगे। फिर उसमें एनवायरमेंट में क्या क्या इश्यूज है, नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है,
एयर पोल्यूशन है, तो आप ये पूरा डिलीट करते आओगे, एयर पोल्यूशन पूरा डिलीट, ये पूरा पेज आप डिलीट करोगे, 331 हो गया डिलीट, उसके बाद 332 भी पूरा कैंसल, 333 भी पूरा कैंसिल कर दोगे, कहाँ तक जाना है 340 तक, चलते चलो 340 तक सब कैंसिल होगा, 335 तक भी पूरा पेज कैंसिल हो जाएगा, 336 भी पूरा पेज कैंसिल हो जाएगा, 337 भी पूरा पेज कैंसिल हो गया, 338 भी पूरा पेज कैंसिल होगा, 339 भी पूरा पेज कैंसिल होगा, 340 पूरा पेज कैंसल, 341। अब जब आप 341 पे आओगे तो एक लास्ट आर्टिकल आपको दिखता है 15.11, ये पढ़ना है, इसके ऊपर जो है ये पूरा डिलीट कर दो। 341 पे दो पैराग्राफ आप कैंसल करोगे, बाकी 15.11 पढ़ना है। एक्सरसाइज में आ जाते हैं, एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन MCQs जो होते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें फिफ्थ वाला कैंसिल करोगे, क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट कैंसिल कर दिए, फर्स्ट कैंसिल किए सेकंड पढ़ोगे, सेकंड के बाद थर्ड फिर कैंसिल कर दोगे, फोर्थ कैंसिल हो जाएगा, थर्ड का फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और थर्ड पढ़ना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब कैंसिल करते चलो, क्वेश्चन नंबर फोर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन से कैंसिल करते चलो, फिफ्थ पढ़ोगे। सो दैट्स इट। अगर आपने फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस अभी तक नहीं देखा तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वीडियो, उस पर क्लिक करो और फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस देखो, या तो सुपरपोजिशन के वीडियोस देख सकते हो आप एनिमेशन के साथ।